मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को सराहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे। लेकिन यदि आपने Spotify चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि इससे आप हर वीडियो को ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकेंगे। आज हम बात करेंगे अप्लोक्लिम भावों की, एक नई सोच या हम कहें एक अलग सी सोच। क्यों अप्लोक्लिम भाव किसे कहते हैं? हमारे कुंडली में जो तीसरा, छठा, नवा या द्वादश भाव और द्वादश भाव जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ हाउसेस के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम अप्लोक्लिम भाव कहते हैं। काल पुरुष कुंडली में ये मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि सब मिलकर अप्लोक्लिम भाव बनाते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में इनका जो स्थान है वो द्विस्वभाव राशियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए अप्लोक्लिम भाव जो होते हैं उनका जो स्वभाव है वो द्विस्वभाव माना जाता है। अब द्विस्वभाव राशियों पर ये जाने कि उनका किस प्रकार का स्वभाव होता है। तो द्विस्वभाव राशि जो होती है उन्हें उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने आप को बदलने की जो क्षमता है या किसी भी सिचुएशन को समझकर अपने आप को उसमें ढाल लेना और फिर चिंतन मनन करना और आगे बढ़ जाना, ये जो क्षमता होती है वो अप्लोक्लिम भाव हमें देते हैं या द्विस्वभाव राशि हमें देते हैं। साथ ही ये राशि जो है वो बहुत सेंसिटिव है और किसी भी सिचुएशन को मॉडिफाई करने के लिए, किसी भी सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए बहुत ही सक्षम है। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि षष्ठम भाव और द्वादश भाव काल पुरुष कुंडली का या आपके जो चार्ट का है उसमें हम कहते हैं कि ये जो रोग का भाव माना गया है या हॉस्पिटलाइजेशन का, आगे बढ़ते हुए हम कभी देखेंगे कि ये जो भाव है ये सीजनल चेंजेस के भी भाव है और सीजनल चेंज के समय आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत लो हो जाती है, क्योंकि आपको अडेप्ट करना पड़ता है एक नए सीजन के लिए। तो उस समय आपके चार्ट में या काल पुरुष कुंडली के इन राशियों में यदि आपके चार्ट में प्लैनेट्स हैं तो बहुत संभावना है कि आपको जल्दी से बीमारियां ना लगे। और यही यदि अप्लोक्लिम भावों में आपके चार्ट में या काल पुरुष कुंडली की इन सब राशियों में आपके चार्ट में प्लैनेट्स हैं और वो पाप ग्रस्त भी है तो आप बहुत ही जल्दी बीमार होने के लिए सक्षम हैं, या आपके चार्ट दिखाता है कि बीमारियां आपको घेर सकती हैं। फिर जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो ऐसे लोग जो है अपने परिवेश से बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। यदि मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस ज्यादा होते हैं तो ऐसे लोग बहुत अनरिलायबल हो जाते हैं या दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और खुद को इतने सिक्योर महसूस नहीं करते या उनमें कॉन्फिडेंस की जो है कमी दिखाई देती है। और इनडिसिसिवनेस या एक किसी तरह के निष्कर्ष पर ना पहुंचना या कोई एक निर्णय ना ले पाना भी इसकी एक कमी हमें मालूम पड़ती है। तृतीय भाव के कुछ गुण, तृतीय भाव जो है हमारी कलात्मक शक्तियों को बताता है या हमारी लिखावट को बताता है। तृतीय भाव हमारे साहस और पराक्रम को भी बताता है। आपने जो पहला थप्पड़ मारा था ना वो अपने छोटे भाई बहन को ही मारा था, या आपके बड़े भाई बहन ने भी आपको पहला थप्पड़ जो है वो आपको ही मारा था, यानी कि वो जो साहस और भाई बहनों के साथ लड़ाई करने की जो प्रथा चली आ रही है वो तृतीय भाव से चली आ रही है। हमारे विचारों में जो परिवर्तन हम देखते हैं वो तृतीय भाव से दिखाई देता है, क्योंकि बुध जो आपका विचार का कारक है वो तृतीय भाव, नैसर्गिक तृतीय भाव का भी स्वामी माना गया है। आपकी कलात्मक शक्तियां किस तरह आपको ऊंचा बना सकती हैं, और हम देखते हैं कि समय के अनुसार कला में अंतर आता जा रहा है। पहले हम डिजिटल आर्ट नहीं देखते थे, पहले हम रेनेसां आर्ट जो देखते थे, उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखा। बहुत तरह तरह की कलाएं निरंतर बदलती जा रही हैं, जिसके कारण यह हम ये बता सकते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में थर्ड हाउस का स्ट्रांग होना और पंचम भाव का स्ट्रांग होना
अत्यंत जरूरी है। अब षष्ठम भाव पर या छठे भाव पर आते हैं। सिक्स हाउस जो है वो बताता है कि आप में अपने प्रारब्ध को झेलने की या प्रारब्ध से आगे उठकर चलने की क्षमता कितनी है। छठे भाव को हम विवेक का भी भाव कहते हैं। जीवन में परेशानियां आती ही हैं और उनको किस तरह से हम सुलझाते हैं, अपने आसपास के परिवेश में हम किस तरह से घुल मिल जाते हैं, हम अपने जब काम पर जाते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव आपके साथ काम करने वाले लोगों के बारे में भी बताता है, तो उनके साथ हम कितना मिलजुल कर रह सकते हैं और अपनी बात को भी किस तरह से समय अनुसार मनवा सकते हैं, वो छठे भाव बताता है। तो आपको तेल देखना, तेल की धार देखकर काम करना आना, वो छठे भाव से आता है। छठे भाव पर में गुरु होने से आपके जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी देखना ना भूलिए। नवम भाव आपका देश विदेश गोचर करने का भाव भी माना गया है, तो वो आपको कल्चरली एक डिफरेंट परिवेश देता है और आपको वहां जाकर आप किस तरह से उस परिवेश में अपने आप को ढालते हैं वो भी बताता है। फिर नवम भाव जो है वो आपको सत्य की खोज में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। जब हम किसी चीज की खोज करते हैं, खासकर यदि हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, तो हमें जो सामने हमारे आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको वो मान्यता देना और फिर आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। वो चीज आप देखेंगे कि नवम भाव से आपको बहुत अच्छे से दिखाई देती है। फाइनली हमारा द्वादश भाव। यदि हम द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव जो है वो हमें त्याग की भावना सिखाता है और किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ना, चाहे वो आपका एक फेवरेट सूट क्यों ना हो, चाहे आप अपने बच्चे को या बेटी को ब्याह कर किसी और को दें, ये सारी बातें इजी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये सारे भाव यदि आप देखें तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को भी दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कितने सशक्त हैं और किसी चीज को भी अपने जीवन में अपनाना या उसको छोड़ना, उसका त्याग करने में कितने सक्षम है, ये सारी बातों को दर्शाता है। तो यदि हमारे लाइफ में, हमारे चार्ट में हमारा तीसरा, छठा, नवा और द्वादश भाव सशक्त हो तो हमें गुण आते हैं कम्युनिकेशन के। तो हम देखते हैं कि ये जो अपलोकलिंग भाव है वो हमें क्या क्या बताते हैं। थर्ड हाउस जो है वो हमारा वाक शक्ति है और नाइन्थ हाउस हमें बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस देता है। तो इंटेलिजेंटली लोगों के सामने अपनी बात किस तरह रखें वो हमें ये अपलोकलिंग भाव बताते हैं। अपने प्रारब्ध के साथ, जैसे मैंने बताया कि षष्ठम भाव बताता है कि हम अपने प्रारब्ध को किस तरह से काटें और आगे बढ़े, तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो छठे भाव से हमें दिखाई देता है और नवम भाव से भी, क्योंकि नवम भाव आपको वो इंटेलिजेंस देता है कि हर चीज पर अपनी समझदारी या सूझबूझ दिखाएं, फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स से उभर कर आगे आना और आगे बढ़ना जो है वो हमें तृतीय भाव, नवम भाव, षष्ठम भाव और छोड़कर किसी चीज का त्याग कर कर आगे बढ़ना वो हमें द्वादश भाव, इनसे हमें आगे बढ़ने की जो क्षमता है या इजिली मूव ओवर करने की जो क्षमता है वो दिखाई देती है। फिर हमें सोचने समझने की क्षमता और दूसरों की ओपिनियंस को मान्यता देने की जो क्षमता है वो भी ये अपलोकलिंग भावों से मिलती है, जहां हम ऑल्टरनेट सोल्यूशन सोच सकते हैं, दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख सकते हैं। जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो केवल अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू हर समय चलाना हमारे लिए मुश्किल होता है। षष्ठम भाव यदि हमारा अच्छा हो तो हम दूसरों की बात भी सुनने में सक्षम होते हैं और वो हमें काम एंड कॉन्फिडेंट भी बढ़ाता है। एक चीज यहाँ डेफिनेटली मैं रिपीट करना चाहूंगी कि आप ये देखें कि बहुत ज्यादा मैलिफिक अफेक्ट यदि होगा तो आप ऐसे करने में सक्षम शायद ना हो। फिर जब हम दूसरों की बात सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरों की राय ले सकते हैं, तो हमारी जो मनोस्थिति होती है वो खुली विचारधारा की होती है, जहाँ हम फैशन ट्रेंड्स हो या लाइफ के ट्रेंड्स हो उनको अच्छे से और आसानी से एक्सेप्ट
कर सकते हैं और अपने विचारधारा में हम रूढ़िवाद नहीं रहते, जिसके कारण हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर या बीती बातों को लेकर हमेशा पीछे नहीं चलते और आगे बढ़ने की हमारी क्षमता होती है। नवम भाव छष्टम भाव, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपके प्रारब्ध को बताता है, और तृतीय भाव आपको वो साहस देता है कि आप अपने प्रारब्ध पर काम कर सकते। तो जब आपके ऊपर कोई प्रेशर आता है काम का, या कभी आपके लाइफ में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रेशर बनने पर भी आप अपनी जो बुद्धिमता है या विवेक है उसको नहीं खोते और काम करते रहते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव भी होती है और साथ ही साथ आप दूसरों के द्वारा सराहे भी जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी ऋतिक रोशन का। और आगे बढ़ने से पहले इस जो एपिसोड को चक्रा नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनको भी डेडिकेट करना चाहूंगी, उनकी ही प्रेरणा से हमने ये वीडियो बनाया है। ऋतिक रोशन के चार्ट में हम देखते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में नीच का होकर बैठा है। उनके जीवन में ये हुआ था कि उनको स्टैमरिंग की या हकलाने की बचपन से प्रॉब्लम थी, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर शुक्र भी बैठा है, रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, जो कि उनको विवेक देता है कि किस तरह से वो काम करें, उन्होंने अपने स्पीच पर काम किया और फिर वो लाइफ में आज इस मुकाम पर है कि वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन है। साथ ही मंगल उनके छष्टम भाव में बैठा हुआ है। मंगल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो आपको प्रेरणा देता है कि किस तरह से लड़ाई करके, किस तरह से अपनी बात मनवा के, या फिर किस तरह से वो ऊर्जा देता है कि आप जीवन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और यही मंगल लग्न को भी देख रहा है, लग्नेश होकर, तो उनके पास ये शक्ति थी और साथ ही उनमें ये क्षमता और कॉन्फिडेंस उनमें आया कि मैं अपने लिए कुछ करके दिखाऊंगा और बन सकता हूँ। तो प्रारब्ध से जूझने की जो क्षमता है वो भी इनके चार्ट से दिखाई देती है। नवम भाव में पुष्य नक्षत्र में उनका चंद्रमा है, जो कि बताता है कि मैं सत्य पर टिका रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा और उसके कारण जीवन में उन्नति प्राप्त करता रहूंगा। वो चंद्रमा उनके मनुस्थिति को पुष्ट करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो यदि हम सोचें कि एप्लोक्लिम भाव जो है हमारे जीवन में इतना महत्व नहीं रखते, आप का जो साहस, विवेक, सत्य पर बने रहना और जीवन में समय आने पर त्याग करने की भावना आना, ये सारी चीजें अपलोकलिम भाव से आती है, तो इन भावों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें लिखकर बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें।